Five. Getting lost. ये वो जगह है जहाँ रेलगाड़ियाँ बनती हैं। नया नया छोटा टी डिपो यहाँ टेस्ट रन कर रहा है। अरे वाह! आखिरी चक्कर थोड़ा सा और तेज। चलो चले। टी डिपो, तुम्हें मोड़ पर रफ्तार कम करनी चाहिए। ओ हाँ। शाबाश टीटीपो। इस बार तो ठीक था ना टीओ? कल से बहुत बेहतर था। बस तुमने मुझे पता है, मुझे मोड पर थोड़ा धीरे हो जाना चाहिए, मैं भूल गया था। लेकिन बाकी सब तो मैंने ठीक किया ना। लेकिन इस तरह से भूलने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं अभी चूचू टाउन नहीं जा सकता? कोशिश करते रहो और थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। कैसे हो टियो? टोनी, अब तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगा कि मेरी ताकत खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। hey, मुझे लगता है हम पहले नहीं मिले हैं। इससे मिलो, ये है टीटीपो, अभी ये प्रैक्टिस रन कर रहा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। टीटीपो, उम्मीद है कि जल्दी पटरी पर मिलोगे। टियो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे मिल लेना। टोनी के जाते ही वहां दूसरी रेल आ गई। सुबह के मजे ले रहे हो टियो? हाय जी। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मुझे एक छोटी सी चोट लग गई है। अच्छा, कहां पर? ये रहा। मुझे दर्द भी हो रहा है। इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक कहा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई छोटी रेल है। इसका नाम है टीटीपो। हेलो टीटीपो। ओह हेलो। जीनी अब चूचू शहर में रहती है। वाह क्या बात है। मेरा भी सपना है कि मैं वहाँ रहूं। जरूर रहोगे जब तुम काम के लिए तैयार हो जाओगे। मुझे लगता है मैं तैयार हूँ टीओ। मुझे नहीं लगता। जीनी चलो तुम्हें ठीक करवा दूँ। टीटीपो, मैं जीनी की हेल्प करके वापस आता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है। सवारी तैयार है, चलो अब चलते हैं। चलो चले। वहाँ अकेले खड़े खड़े टीटीपो कुछ बोर होने लगा। काश मैं घूमने के लिए चूचू टाउन जा सकता। मैं तेजी से वहां जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। टियो की इजाजत लिए बिना टीटीपो प्रोडक्शन प्लांट से बाहर चला गया। अरे वाह! कितना मजा आ रहा है। अरे बच्चे, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो क्या तुम थोड़ा तेज चलोगे? जरूर। बढ़िया। पप्पी मेरे पीछे है। अरे बाप रे, क्या इतनी धीरे कोई रेल चलती है? अब मैं क्या करूं? मैं पाय मुड़ जाता हूँ। जैसे ही टीटीपो रास्ते से हटा, मालगाड़ी तेजी से आगे निकल गई। बाय बाय कछुए, बाद में मिलते हैं। टीटीपो ने देखा कि वो किसी अनजानी जगह पहुंच गया है। मैं कहां आ गया? हाँ, चौराहे पर किसी से पूछता हूँ। हेलो, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं कहां हूँ? कहां हो तुम? जल्दी हटो।
हो? सुनो छोटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने जाम लगा रखा है। अरे क्या कर रहे हो तुम? माफी चाहता हूँ। हमको जल्दी जाना है। हटो, जल्दी करो। क्या मैं वापस चलूं? नहीं, थोड़ा और आगे चलता हूँ। टीटीपो ये है बंदरगाह। टीटीपो काफी दूर निकल आया है। ये मैं कहाँ आ गया? ओ अरे, ये तो टोनी है। टोनी, डराना नहीं चाहता था। तुम उस ट्रेन जैसे दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ, माफ करना। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता नहीं, रास्ता भूल गया। तुम्हें पता है कि ये जगह सिर्फ मालगाड़ियों के लिए है, यहाँ खतरा है, तुम जाओ। जाऊँ? ठीक है, लेकिन रास्ता नहीं पता, जाऊँगा कैसे? उस रास्ते से जाओ, तुम्हें टर्न टेबल मिल जाएगी। शुक्रिया। शायद यही ठीक रास्ता है। क्या यही है वो? पता नहीं, ये काम कैसे करता है? पता नहीं, ये काम कैसे करता है? ये कौन बोला? किसने कहा ये? ऊपर देखो। अरे बच्चे, अगर तुम जाना चाहते हो तो ट्रेन टर्न टेबल पर चढ़ जाओ। टर्न टेबल पर चढ़ जाओ? क्या ये ठीक है? अरे काम बन गया। बिल्कुल, कहा था ना, मैं गलत तरफ नहीं घुमाता। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम कौन हो? मैं हार्बर की सबसे ताकतवर मशीन हूँ। मेरा नाम है क्रेनी। ओह सच में, तुम्हें पक्का पता है? क्या टोनी ज्यादा ताकतवर नहीं? क्या टोनी? एक मालगाड़ी मेरी ताकत का मुकाबला करेगी? क्या कहा, एक मालगाड़ी? तुम फिर से डींगे मारने लगे क्रेनी। ओह टोनी, बहुत दिनों बाद दिखे। तुम अब भी वैसी ही बातें बनाते हो टोनी। टीटीपो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं अपने आप ही निकल पड़ा और रास्ता भूल गया। ओहो, मुझे अपना सामान लेने दो, फिर मेरे साथ चलना। ठीक है। क्रेनी, अपनी तारीफ करना बंद करो और मेरे कंटेनर्स लोड कर दो। ओह टोनी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो मैं काम शुरू करता हूँ। उठाया, लोड किया, लोड किया। क्रेनी ने मेहनत से और जल्दी जल्दी काम किया। हो गया। टोनी, अब तुम जा सकते हो। टीटीपो, तुम वापस चलने के लिए तैयार हो? तुम्हें लगता है तुम इतने सारे कंटेनर खींच लोगे? चिंता मत करो, टोनी के लिए इतना भार खींचना कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक कहा ना? यकीन नहीं होता तुमने मेरी तारीफ की। चलो अब चलते हैं। ठीक है। बाय दोस्त। तुम्हें भी छोटे दोस्त। बाय बाय। मैं चलता गया और बंदरगाह में पहुंच गया। तो ये हुआ था। पहुंचने वाले हैं टीटीपो। टोनी की मदद से टीटीपो प्रोडक्शन प्लांट में सुरक्षित वापस पहुंच गया। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया टोनी। अब अंदर चलता हूँ। टीटीपो। टीटीपो
पूरा दिन तुम कहाँ थे? वो बात ही है, मैं जल्दी से बाहर घूमकर आना चाहता था। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, मैं परेशान था। मुझे माफ कर दो। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं। टीटीपो, अपना दरवाजा खोलोगे जरा? हाँ जरूर। बढ़िया, जाने के लिए तैयार हो? जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहाँ? अपने काम पर जाने के लिए, मतलब ये कि अब तुम चूचू शहर जा सकते हो। क्या सच में टियो? वाह, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? अभी तो अंधेरा हो रहा है, हम कल सुबह चलेंगे। अब तुम जल्दी एक अच्छी रेल बनो और सोने चले जाओ। ठीक है। मुझे कल तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। तो आखिरकार टीटीपो चूचू टाउन जाएगा। मुबारक हो टीटीपो। मैं जा रहा हूँ चूचू टाउन। ये ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट है जहाँ नई ट्रेन्स बनती हैं और खराब ट्रेन्स को ठीक किया जाता है। ला 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 ला। ये है हमारा दोस्त टीटीपो। ला ला ला। आज मैं जाऊंगा चूचू टाउन। जल्दी करो टियो। गुड मॉर्निंग। तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बहुत, मैं चूचू टाउन में नए दोस्त बनाने के लिए बेताब हूँ। दिख रहा है। तो ठीक है, तुम अपना दरवाजा खोलोगे? जरूर। क्या हम अभी जा रहे हैं? बिल्कुल। ये मैं चढ़ा। ठीक है, अब चलना शुरू करो। बढ़िया, चलते हैं चूचू टाउन। ला ला ला। टीटीपो, सामने एक रेल है इसलिए थोड़ा धीरे चलो। ठीक है। अरे वो कितनी धीरे चल रहा है। ओ, वो डीजल है। इस रफ्तार से शहर पहुंचने में देर हो जाएगी। चिंता मत करो, हम पटरियां बदलने वाले हैं तो आगे निकल जाएंगे। पटरियां बदल लेंगे? मॉर्निंग डीजल, काम पर जा रहे हो? हेलो टियो, ये कौन है? मुझे लगता नहीं कि हम पहले कभी मिले हैं। ये नया है और चूचू शहर में रहने जा रहा है। अच्छा, हेलो, मेरा नाम है डीजल, मैं भी चूचू टाउन में रहता हूँ। दोस्त बनोगे? ठीक है, मैं हूँ टीटीपो। तो अपना काम पूरा करने के बाद तुमसे मिलता हूँ। हाँ जरूर, मिलते हैं। बाय बाय। सुनो टियो, ये डीजल कैसी ट्रेन है? मालगाड़ी, ये भारी सामान लेकर चलता है। वो थोड़ा धीरे चलता है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, लेकिन ताकतवर है, तुमसे भी ज्यादा। क्या, मुझे तो इतना ताकतवर नहीं लगता। ये ट्रांसफर स्टेशन है। टीटीपो, क्यों ना हम यहाँ रुककर थोड़ा आराम करें? ठीक है। वाह, इतने सारे लोग! यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग एक से दूसरी रेल पर चढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टियो। हेलो एरिक। इस समय कहाँ जा रहे हो? हम चूचू शहर जा रहे हैं। टीटीपो, हेलो कहो एरिक को। हेलो, मैं हूँ टीटीपो। मिलकर अच्छा लगा टीटीपो, मैं भी टाउन जा रहा हूँ, साथ चलते हैं? ठीक है, जब तुम चलना चाहो मैं तैयार हूँ। जरा ध्यान से। वाह, वो ट्रेन कितनी तेज थी। वो थी सिंग सिंग। वो एक हाई स्पीड ट्रेन है जो यात्रियों को ले जाती है। वो इतनी तेजी से निकल गई कि मैं हाय भी नहीं कह पाया। वो बाद में चूचू शहर आएगी, तुम तब उससे मिल सकते हो। तो चलो चलते हैं अब। हाँ। मेरे पीछे आओ चूचू।
हेलो एरिक। ओह हेलो टायो। बहुत दिनों बाद दिखे। हाँ मिलकर अच्छा लगा। ओ, मुझे नहीं लगता मैं इसे जानती हूँ। ये नया है। इसका नाम है टीटी पो। ये हमारे साथ चूचू शहर में रहने जा रहा है। हेलो मेरा नाम टायो है। हेलो मैं हूँ टीटी पो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। फिर मिलूंगी तुमसे। ठीक है फिर मिलते हैं। वो डीजल है, वही मालगाड़ी जिससे तुम पहले मिले थे। डीजल का माल का है। लगता है टीटीपो डीजल की ताकत से प्रभावित हो गया। ओ, हमें अभी और कितनी दूर जाना है? टीटीपो, ओ, बस पहुंच गए हैं। आखिरकार टीटीपो चूचू शहर पहुंच गया। टीटीपो टीटीपो। हाय मिस्टर हर्ब। अरे तुम आ गए। मैं आता हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एक नई रेल लाया हूँ मिस्टर हर्ब। टीटीपो ये ट्रेन मास्टर हैं, यहाँ के हेड चीफ। हेलो कहो। हेलो ट्रेन मास्टर हेड चीफ। ओ टीटीपो तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मुझे इन नामों से पुकारने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ मुझे मिस्टर हर्ब कहते हैं। तुम भी मुझे ऐसे ही बुलाओ। आपका शुक्रिया मिस्टर हर्ब। सुना है टाउन में एक नई ट्रेन आई है, शायद तुम ही हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या हो गया टीटीपो? क्या ये भी ट्रेन है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम बस औरों से अलग लगती हो, बस यही। तुम्हें लगता है हम अलग दिखते हैं? हम दूसरी ट्रेन से कुछ अलग ही दिखते हैं। हाँ थोड़े से अलग। हमें समझने के लिए सुनो हमारा गाना। तैयार हो तो शुरू करते हैं। जगह चूचू फिक्स लिप 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 फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स लिप लिप मेरा नाम है लिप फिक्स और लिफ्ट लिफ्ट और फिक्स जब भी कुछ टूटे तो आए मिस्टर फिक्स और उसका साथ ही लिप लिप हंस गए प्यारे मलिक को पुकारे दिक्कत ज्यादा हो या थोड़ी उसे ठीक करे जोड़ी। हम शौक के लिए नाचते और गाते हैं, रेलों को ठीक करके भगाते हैं। ईस्ट टू वेस्ट हम हैं बेस्ट। ठीक है अब मैं समझा। हे फिक्स, एक रेल खराब हो गई है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो इसका काम है। टीटीपो अपना ख्याल रखना। गुड बाय। हाँ ठीक है बाय बाय। अपना ख्याल रखो टियो। फिर मिलने आना। हम शौक के लिए नाचते और गाते हैं, रेलों को ठीक करके भगाते हैं। ईस्ट और वेस्ट हम हैं। एक और रेल आ रही है। मैं आ गई मिस्टर हर्ब। ओह जीनी, अच्छा काम किया आज। जीनी जी, शहर में एक नई रेल आई है। जीनी जीनी मैं हूँ टीटीपो। ओह तो तुम हो, एक बार फिर से हाय। तुम एक दूसरे को जानते हो? हम कल प्रोडक्शन प्लांट में मिले थे। तब तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम टीटीपो का ध्यान रखो। जरूर, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया जीनी। एरिक, क्या तुम टीटीपो को उसकी रहने की जगह दिखा दोगे? जरूर, मेरे साथ साथ आओ टीटीपो। शुक्रिया। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। बाय बाय, तुम सबने पूरा दिन बहुत काम किया है, इसलिए जाओ और आराम करो। ठीक है। हेलो, मैं
मैंने तुम्हें ट्रांसफर स्टेशन पर देखा था। क्या तुम नए हो? तुमने मुझे कैसे देख लिया? तुम तो बहुत तेज जा रही थी। तेज चलने के साथ ही मैंने तेजी से देखना भी सीख लिया। बात तो ठीक कही, कितना मजा आता होगा। हेलो दोस्तों। ये तो डीजल है। ये डीजल है, तुम इससे मिल चुके हो। हाय डीजल, मैंने तुम्हें सारे कंटेनर्स ले जाते हुए देखा था। तुम बहुत ताकतवर हो। वो इतने भी भारी नहीं थे। मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम अपने रहने की जगह देखोगे? दिखाइए। वाह कितनी सुंदर जगह है ये। हाँ है ना। इस तरफ टीटी पो। ये जीनी का घर है और ये मेरा और वो है तुम्हारा। अच्छे से सोना। शुक्रिया। गुड नाइट। देखते हैं अंदर से कैसा लगता है। तो ये है मेरा नया घर। मेरे नए दोस्त बने और एक नया घर भी मिला। मैं सपना तो नहीं देख रहा। हमारे छोटे दोस्त टीटीपो के लिए आज का दिन बहुत खुशियों भरा रहा, लेकिन एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए उसे अभी आराम करना है। स्वीट ड्रीम्स टीटीपो। टीटीपो का पहला रास्ता। हर सुबह चूचू शहर से रेलगाड़ियां अपने काम के लिए निकलती हैं। एरिक अपनी शिफ्ट पर है, सिंग सिंग जा चुकी है और अब बारी है डीजल की। डीजल। हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम जा सकते हो, हमेशा की तरह सावधान रहना। मैं सावधान रहूंगा मिस्टर हब। अब बारी है बूम बूम की। बूम बूम। यह नहीं है, आखिर है कहाँ? बहुत बढ़िया लिफ्ट। थैंक्स। जी मिस्टर हब। बूम बूम का मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या तुम इसकी लोकेशन ढूंढने में मेरी मदद करोगे? जरूर, क्यों नहीं? तुम तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। जब एक बस टूटे तो आए मिस्टर फ्रिक्स और उसका साथी लिफ्ट लिफ्ट। फंस गए प्यारे, मदद को पुकारे, दिक्कत ज्यादा हो या थोड़ी उसे ठीक करे जोड़ी, दिक्कत ज्यादा हो या थोड़ी उसे ठीक करे जोड़ी। तो चले। जीनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो। काम पे जा रही हो? हाँ मैं काम पर जा रही हूँ। वाह काश मैं भी ऐसा कर पाता। तुम भी जल्दी काम करने लगोगे, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, मजे करना। शाम को मिलेंगे। ठीक है। पता नहीं मुझे मेरा पहला रास्ता कब मिलेगा। अब सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेनी। यात्रियों के लिए डब्बे तैयार हैं। इन्हें जोड़कर जा सकती हो तुम। मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता हूँ। हाँ, शुरू करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया सेटर। यूर वेलकम। अपना ख्याल रखना। बाय। मिस्टर हब। ओ फिक्स, बूम बूम का कुछ पता लगा? हाँ मिल तो गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक हो ना तुम? बूम बूम पटरी से उतरकर किनारे पर गिर गया है। ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता मिस्टर हब, पर वो अपना काम करने के लायक नहीं बचा। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिक्स, तुम बूम बूम को ठीक कराने के लिए ले जाओ। मैं ले जाता हूँ मिस्टर हब। अब मुझे उसकी जगह किसी दूसरे को भेजना पड़ेगा। मिस्टर हब। ओ हेलो जीनी। हेलो मिस्टर हब।
अच्छा हुआ तुम आ गई। बूम बूम आज अपने रूट पर नहीं जा सकता, तो क्या तुम उसकी जगह जा सकती हो? मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया था। लेकिन फिर कौन? मैं बताऊँ कैसा रहेगा टिटीपो? हाँ, टिटीपो? पता नहीं अभी टिटीपो काम कर भी पाएगा या नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से काम करेगा। बोर हो गया टिटीपो। मिस्टर हब, जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचाओ। ठीक है। मैं आ गया। तो तुम आ गए। आप मुझसे मिलना चाहते थे? टिटीपो, क्या तुम आज एक रूट पर जा सकते हो? मैं एक रूट पर? हाँ, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। शाबाश, तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। जी सर। जल्दी से डिपो जाओ, अपने साथ डिब्बे लगवाओ और फौरन निकल पड़ो। जी सर। हेलो। तो तुम हो ना नई रेल? हाँ, मैं हूँ टिटीपो। मेरा नाम है सेटर। मैं इस डिपो में रेलगाड़ी के सभी डिब्बे जोड़ता हूँ। अरे वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना ये तुम्हारा पहला दिन है। हाँ। मुबारकबाद, तुम्हारे पीछे मैंने डब्बे लगा दिए हैं। हाँ? शुक्रिया। ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शाबाश, अब तुम निकल पड़ो। जी सर। अपना अच्छे से ध्यान रखना टिटीपो। शुक्रिया सेटर। छोटा टिटीपो अपने पहले रूट पर चल पड़ा। सुरक्षित सफर करना टिटीपो। जी बिल्कुल, शुक्रिया मिस्टर हब। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। टिटीपो टिटीपो। टिटीपो अपने यात्रियों को लेने के लिए स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लगता है वो देर से पहुंचेगा। ट्रेन आज काफी धीरे चल रही है ना? लो, आगे गाड़ी। पता नहीं लगता इतनी देरी क्यों हो गई। माफी चाहता हूँ। चलो आई तो सही। चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम तैयार हैं। चलो चले। मुझे जल्दी करनी होगी। ओ, आगे मोड़ है। ओ, मोड़ पर तेज चलना खतरनाक होता है, इसलिए टिटीपो ने अपनी रफ्तार कम कर दी। ओ, तेज चलना होगा। मैं देर से बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। ओ, अरे ये तो एरिक है। हेलो एरिक। ओ टिटीपो, क्या ये तुम्हारा पहला रूट है? हाँ, काश बातें कर पाता, लेकिन अभी जाना है। ओ, ये इतनी तेज क्यों जा रहा? ओ, ये तो पुल है। मुझे पता है पुल पर धीरे चलना चाहिए, लेकिन कोई और चारा नहीं, मैं जल्दी में हूँ। मेरी किताब। चलो चले। मैंने कर दिखाया। और मैं देर से भी नहीं पहुंचा। हम स्टेशन पर पहुंच गए। बहुत ही बुरा सफर था। यहाँ टिटीपो खुश हो रहा था, लेकिन उसके यात्री उससे नाराज थे। मेरा पहला रास्ता अच्छा रहा। अब वक्त है घर जाने का। मिस्टर हब, मैं वापस आ गया। हम फिर मिल गए। आज का सफर कैसा रहा? मैं बिल्कुल सही समय पर स्टेशन पहुंच गया।
एक बात बताओ टीटीपो। जी। तुम भूल गए थे कि पुल पर तेज स्पीड से नहीं चलना चाहिए। ओ, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था यात्रियों को देर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज चला। अच्छा ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये रूट क्यों दिया? ओ, जी नहीं। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो रूट मैंने तुम्हें दिया वो असल में बूम बूम रेल का था। ओहो, दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन बूम बूम। लेकिन आज सुबह जब वो पटरी के एक घुमाव पर पहुंचा, मैं धीरे नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं। वो धीमा नहीं हुआ और तेज ही चलता रहा। और पटरी से उतर गया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा। मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, माफ कर दीजिए। उदास मत हो, पहले दिन हर रेल से कोई ना कोई गलती होती है। जानता हूँ। हाँ? मैं वापस आ गई। हाय टिटीपो। हेलो जीनी। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? देखते हुए कि इसका पहला रूट था, मुझे लगता है इसने काफी अच्छा किया। बहुत बढ़िया टीटीपो। ओ शुक्रिया टीटीपो, आज तुमने बहुत काम किया, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही करते रहोगे। क्या इसका मतलब मैं आगे काम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पर तुम अपने रूट पर हर रोज प्रैक्टिस करोगे। मैं वादा करता हूँ। बाय बाय मिस्टर हब। बाय, आराम करो। छोटी रेलगाड़ियां अपने डब्बे अलग करने के लिए डिपो पर पहुंची। अच्छा टीटीपो, तुम्हें आज डर नहीं लगा? सच कहूँ, मेरे पहिए कांप रहे थे। मुझे भी डर लगा था, लेकिन सब ठीक हो गया। ठीक कहा जीनी ने। शुक्रिया दोस्तों। छोटी रेलगाड़ियों का काम पूरा हो चुका है और अब समय है घर जाने का। गुड नाइट टीटीपो, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट एरिक। घर से अच्छी कोई जगह नहीं। टीटीपो आज अपने पहले सफर पर गया। बहुत बढ़िया टीटीपो। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो डीजल आ गया। डीजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था, हुआ कुछ यूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओह आ गए तुम, कमाल की रेल डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल जाओ, चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। जरूर वही मशहूर डीजल होगे तुम, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है, तो लोड करता हूँ। ये दो, ये तीन, लो हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। डीजल, तुम्हारी शिफ्ट
समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे, मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुककर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए। मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ? क्यों नहीं, जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो। हाय जीनी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे झपकी आ गई होगी। टीटीपो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। मेरे सर में चाबी लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय दोस्तों, क्या बात है? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टीटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या डीजल? एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए। कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। व
वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे, दो और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे। हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है। मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ? अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ। जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। चीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। हंस क्यों रही हो? मॉम, उस रेल को देखिए, कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, किसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं ऐसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। और वो रास्ता भूल गई। ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सीगल, इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटीपा। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे। मैं जाऊंगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। डीजल। हेलो डीजल। हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या, खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है।
हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। ओ, मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुंचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। वाह, कमाल की जगह है। जरा संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टाने मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। पहाड़ तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। डीजल, अगला नंबर तुम्हारा। ठीक है, यहीं इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुंच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, आप पहुंच गया। लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ, सही कहा। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है। एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो। एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ गई यार। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टीटीपो, टीटीपो। अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। एक दो, एक दो। ये बिल्कुल
अरे वाह! मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। शक्तिशाली मालगाड़ियाँ बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो, ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्लाकर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है। आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्रेट ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह! पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। हे दोस्त, तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ ठीक कहा, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो? मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊंगा। आप सबका। अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से धीरे धीरे, जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। टीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा, तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया।
चलो अच्छे दोस्त बन जाएं। लगता है छोटी रेलगाड़ियां गप्पे मार रही हैं और मजे कर रही हैं। तो सबसे अच्छी मालगाड़ी को ट्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह, क्या सच में? ऐसा ही हुआ था। सिंग सिंग आई है, इसका काम खत्म हो गया होगा। सिंग सिंग, हाय सिंग सिंग। हेलो। सुनो सिंग सिंग, यहाँ आ जाओ, डीजल मजेदार कहानी सुना रहा है। सच कहा, मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कहानी फिर से सुना सकता हूँ। सॉरी, मुझे आज जल्दी सोने जाना है। बाय। ठीक है, मुझे पता था। क्या पता था? यही कि सिंग सिंग हमारे साथ नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है सिंग सिंग को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो कभी हाय कहने के लिए धीरे नहीं होती और हंसती भी नहीं है। क्या सच में? हमेशा अकड़ में रहती है। मैं अकड़ में नहीं रहती, कल मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है। जूजू शहर में एक नया दिन। सिंग सिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो सिंग सिंग, नहाने जा रही हो क्या? हाँ टीटीपो। डीजल ने सही कहा, सिंग सिंग कभी भी मुस्कुराती या हंसती नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है अब। सिंग सिंग, लाला, मैं मिस्टर हर्ब की तरह लग रहा हूँ ना? हाँ थोड़े थोड़े तो। टीटीपो, तुम तैयार हो? काम पर जाने का समय हो गया। अरे वाह। तुम हंस पड़ी। टीटीपो, अगर तैयार हो तो अपने रूम पर जाओ। ठीक है। मैंने वैसे ही बोला था ना। हाँ। स्टेशन आ गया। चलो पहुंच गए। काम पूरा हो गया। सिंग सिंग, मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो, तुम सच में तेज हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है तुम लकी हो। सच में? क्यों? तुम सबके बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। मुझे भी सबका दोस्त बनना है, पर मुश्किल है। हाय सिंग सिंग। बाय सिंग सिंग। मैं सबसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और मैं बहुत कम स्टेशन पर रुकती हूँ, तो मैं हाय भी नहीं कह पाती। लेकिन मैं सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम करोगे? विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है। टीटीपो ने फैसला किया कि वो दूसरों से दोस्ती करने में सिंग सिंग की मदद करेगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सबको हंसाओ। सबको हंसाना है? मुझे देखो। देखा, हंसी आई है ना? हाँ। बढ़िया, अब तुम कोशिश करो। मैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लगेगा। इससे सबको हंसी आएगी, देख लेना। चलो ठीक है। ये कैसा था? लगभग ठीक किया, चेहरे को थोड़ा और बनाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ठीक था। पर ये बहुत मुश्किल था। अब हम स्पीड पर काम करेंगे। स्पीड तो मेरी बहुत तेज है ही। सिंग सिंग। रुक जाओ। क्या हुआ टीटीपो? मैं तो बस कहना चाहता था स्पीड कम करो। स्पीड कम करूं? हाँ हाँ।
हाँ? तुम हमसे तेज हो तो हम सबके लिए तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा धीरे चलने की कोशिश करो। तब तुम्हें हमसे बात करने का समय मिल जाएगा। तुम ऐसा करोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, धीरे चलो धीरे चलो। अब तीसरी बात, अपने दोस्तों की तारीफ करो। तारीफ? हाँ, सभी ट्रेन्स को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारी? अभी करूँ? हाँ शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत खूबियाँ गिनवाई जा सकती हैं। तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हो। सच में? मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो भी बताओ ना। टिटीपो टिटीपो। टिटीपो से सीखने के एक दिन के बाद दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। लो वो आ गए। तुम ये कर सकती हो। टिटीपो सिंग सिंग भी यहाँ है। हेलो हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे वाह, दिखाओ ना। क्या दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखाओ हमें। तैयार हो? सिंग सिंग, क्या हुआ तुम्हें? बीमार तो नहीं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से टीओ को दिखाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। कुछ तो अजीब है। सुनो दोस्तों, सिंग सिंग तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा क्या बात है? शुरू हो जाओ। अब तुम जल्दी से इन दोनों की तारीफ करो। जेनी, मुझे लगता है तुम एक मजबूत और बहुत मेहनती रेल हो। तुम्हें सच में लगता है मैं मजबूत हूँ? हाँ। डीजल, तुम बहुत साफ सुथरे और प्यारे हो। सिंग सिंग, मुझे लगता है तुमने उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जिनी साफ सुथरी और डीजल बहुत ताकतवर है। मैं ठीक से नहीं कह पाई। मैंने पहले तुम्हें गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं सच में मजबूत हूँ। और मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा साफ हूँ। काम बन गया। टिटीपो, सिंग सिंग, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं सबकी दोस्त बन पाई। देखा सिंग सिंग, मैंने कहा था ना मैं मदद कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। कौन सा काम? एक साथ घूमने के लिए जाना। कहीं घूमने के लिए जाना है? बाहर घूमने जाना दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका है। तुम जाकर डीजल और जीनी से पूछो कि वो हमारे साथ घूमने चलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों। अब उनसे पूछो, जाओ ना। क्या हम चारों घूमने के लिए साथ चले? बहुत अच्छा आइडिया है, सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आखिरकार पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। वाह, कितना अच्छा दिन है। सच में बहुत अच्छा। बंदरगाह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रास्ते में बात करना कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो समुद्र नजर आने लगेगा हमें। हाँ सिंग सिंग। जी मिस्टर हर्ब। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। क्या तुम आज दोपहर को काम कर सकती हो? जी। शाबाश, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? हाँ।
हाँ, मिस्टर हर्ब को मेरी जरूरत है, पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी दोस्तों, मैं सिंग सिंग के साथ खेलना चाहती थी। मैं भी। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। सच में? मेरे पीछे आओ। ए, रुको। सिंग सिंग ने काम पूरा कर लिया है और अब घर लौट रही है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती। सिंग सिंग, कैसी हो दोस्त? अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पिकनिक? हम तुम्हारे बिना घूमने कैसे जा सकते थे? साथ में घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिकनिक हम फिर कभी चले जाएंगे। शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। हमें शुक्रिया मत बोलो, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों की वजह से सिंग सिंग आज बहुत खुश नजर आ रही है। मैनी में कुछ खास है। एक बहुत ही अच्छा दिन और ये आ रहा है टीटीपो। हेलो मिस्टर हर्ब। ओ टीटीपो, गुड मॉर्निंग। आज तुम बंदरगाह जा रहे हो ना? हाँ। मिस्टर हर्ब, काम के लिए तैयार हूँ। ओ आ गए तुम, इससे मिलो। ये है टीटीपो और ये है मैनी, इस शहर की नई मालगाड़ी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तुम दोनों ही बंदरगाह जा रहे हो, इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो। तुम आगे आगे चलो। ठीक है। टीटीपो और मैनी बंदरगाह के लिए चल पड़े। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मजा आएगा, वो सब तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। आ, यहाँ एक और तुम्हारी जैसी ट्रेन है, डीजल। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे? मैं खदान में काम करता था। अरे वाह, मैं एक खदान में जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन खदान में हमेशा सावधान रहना होता है। क्यों? पता है, एक बार एक सुरंग टूटकर मुझ पर गिर गई थी। तो फिर तुमने क्या किया मैनी? मैं चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। तुम चट्टानों के बीच से निकल आए? तुम कितने मजबूत और बहादुर हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंच गए। सुनो मैनी, बाद में मुझे ऐसे और किस्से सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। बाय टीटीपो, अच्छे से काम करो। बाय, बाद में मिलते हैं। यही वो बंदरगाह है जहां मैनी काम करता है। अगली मालगाड़ी। यहाँ हूँ मैं। मैं आ गया। ओ, तुम जरूर नई मालगाड़ी हो। हाँ, मेरा नाम मैनी है। दमदार मैनी, चलो शुरू करते हैं फिर। जरूर। आप सबका स्वागत है। कैसी है टीटीपो? टीटीपो। हेलो। हाय। ओ, ये तो मैनी है। तो पीछे के हिस्से में भी सामान रख दूं? जरूर, मैं आगे निकल जाता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हें लोड करने में आसानी होगी। ओह, तुमने काफी कमाल का सोचा। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वाह, मैनी कितना अच्छा है। काम खत्म करने के बाद टीटीपो चूचू शहर में वापस आ गया। हाय दोस्तों। हाय टीटीपो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। आज जो नई रेल आई है, तुम उसे जानते हो? क्या नई रेल आई है? अरे हाँ, तुम अब तक नहीं मिले। उस मालगाड़ी का नाम है मैनी। नई मालगाड़ी आई है? हाँ, नारंगी रंग पे पीली और काली धारियाँ हैं। उसकी आवाज भारी है और काम जबरदस्त करता है। एक नई रेल जबरदस्त कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, उसकी तारीफ भी हो रही थी। कमाल की बात है ये। एक बार खदान की सुरंग गिर गई थी और वो उसमें फंस गया था, फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ गया। वाह, कमाल है। सच में क्या? डीजल, क्या तुम सोच रहे हो मैनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ये बात नहीं। बंदरगाह जाने का समय हो रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है।
चीनी और सिंह सिंह तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं टिटी पाओ। ठीक है। वाह, बहुत सुंदर। सतरंगे रंग पर पीली काली धारियां, चिटिपो ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओ? तुम नई ट्रेन हो, है ना? ओ, हाँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो इसकी आवाज भारी नहीं लगी। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं फूलों को देख रहा था। कितने सुंदर फूल है ना? सच में मुझे भी फूल पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे फूल है। किसी दिन चलोगे? जरूर चलूंगा। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। फिर मिलेंगे। डीजल बंदरगाह में पहुँच गया है। ठीक है, लोडिंग शुरू कर दो। ए, एक और नया बच्चा। ओ? तुम जरूर चूचू शहर में आई नई मालगाड़ी हो। स्वागत है बच्चे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ, ये जरूर मैंने होगा जिसके बारे में टिटिपो ने बताया था। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। सामान रखना शुरू करता हूँ। रख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगह खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ठीक जगह ही लग रहे हो। नियम तो नियम होते हैं, निशान पर ही रुकना चाहिए। यहाँ। अब शुरू कर दीजिए। नियमों को काफी मानने वाले हो। चलो अब मैं रखता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज सर। कंटेनर्स आराम से रखिए आप। हाँ? क्यों? मेरी बोगी पर खरोंच आ सकती है। ठीक है, तो मैं आराम से रख देता हूँ। आपका शुक्रिया। अजीब बात है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा। शायद टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय डीजल। मैंने मैनी को देखा। अच्छा, वो बहुत मजबूत है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस बात से एकदम उल्टा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबरा रहा था। लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। तो सामान रखना शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल, रख रहा हूँ। रुक जाइए। अब क्या हुआ बच्चे? प्लीज बहुत ध्यान से सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैनी ऐसा नहीं हो सकता। ओ, लेकिन वो है। हाय दोस्तों। हेलो, किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने आज मैनी को देखा। मैं बस टीटीपो को वही बता रहा था। मैंने भी उसे देखा। मैनी और मैं फूल देखने जाएंगे। उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की मुझे। क्या सच में मैनी ने कहा उसे फूल पसंद है? हाँ, हमारी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू का जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों से गलती हो रही है। हमसे नहीं, तुमसे हो रही है। सही कहा, जैसा तुमने बताया वो उससे बिल्कुल ही अलग है। कितनी अजीब बात है। उसी समय सिंह सिंह ने भी नई ट्रेन को देखा। हाँ? ये जरूर मैनी होगा। आपका स्टेशन आ गया। मेरा काम खत्म। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ? ये इतनी जल्दी स्टेशन तक कैसे पहुँच गया? क्या कोई मालगाड़ी मेरी जितनी तेज हो सकती है? हो गया, काम पूरा हो गया। काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया। टीटीपो। ओ, मैनी आ गया। हाय।
आप सब से मिलकर अच्छा लगा। मैमी, क्या तुम्हें सच में फूल पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना? जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था। मैंने बताया ना, वो डर रहा था। माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मालगाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। तेज अब समझ में आया। तुम भी जल्दी समझ जाओगे। हेलो, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। एक जैसी दो मालगाड़ी, यहाँ दो तो नहीं है। हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बर्नी है। जुड़वा भाई? हाँ, देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग। बिल्कुल सही। तो जो फूलों को देख रहा था वो वो मैं था। और मैंने जिसे देखा, क्या वो भी तुम थे? हाँ। ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ, और पुल के ऊपर से मैं निकला था। तुमने पहले मुझे देखा फिर मैनी को। अब समझ आ गया सब। तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा ध्यान से देखो, हम थोड़े अलग हैं। हमारी धारिया भी अलग है, देखो। अब ध्यान दिया मैंने। तुमसे तो मैं मिला ही नहीं। मेरा नाम है टीटी बो। मैं हूँ चीनी। मेरा नाम सिंह सिंह है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मैं यहाँ के सबसे दमदार मालगाड़ी डीजल। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हम चूचू टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चूचू शहर में दो नए दोस्त आए, उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे। टीटीपो और सेटर घूमने गए। आज टीटीपो की छुट्टी है। हाय दोस्तों। टीटीपो, क्या कर रहे हो? मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? मुझे काम पर जाना है। मुझे भी। मुझे लगता है आज सेटर की छुट्टी है। बहुत बढ़िया, मैं सेटर को कहता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। सेटर को चूचू टाउन से बाहर जाना पसंद नहीं। घूमने जाने के लिए भला कौन सी ट्रेन मना करेगी? बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। तुम देखना, वो उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अभी ने सही से लगा देता हूँ। हाय सेटर। बाहर चल के खेलते हैं। खेलते हैं? आज तुम्हारी छुट्टी है तो हमें बाहर जाके खेलना चाहिए। मुझे चूचू टाउन में ही रहना पसंद है। लेकिन बाहर मजे करने के लिए बहुत कुछ है। चूचू टाउन में भी मजे करने के लिए बहुत कुछ है। सब लग गए। ट्रेन के डब्बों को लगाने का मजा ही कुछ और है। और जब सब रेल चली जाती है तब देर तक नहाने का मजा ही कुछ और है। ये जगह सही लग रही है। और दोपहर की झपकी का तो कहना ही क्या। चूचू टाउन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाहर तो बहुत भीड़ और शोर है, इसलिए मैं तो यही रहूंगा। तुम अकेले ही घूम कर आओ टीटीपो। सेटर, इसे बाहर जाना पसंद क्यों नहीं है? हाँ, अगर मेरे साथ बाहर जाएगा तो उसे पक्का अच्छा लगेगा। इन पीले डब्बों की जगह यहाँ है। सेटर, तुमने डरा दिया। मेरे साथ बाहर चलो। सिर्फ एक बार सेटर, प्लीज एक बार चलो। माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अकेले ही चले जाओ टीटीपो। लाल डब्बों की जगह यहाँ पर है। चलो भी सेटर। क्या तुम सच में यहीं रहोगे? सच में? मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है टीटीपो, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। ओ, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, सब उल्टे उल्टे लग गए। अब तो बाहर चलोगे ना? मैं नहा कर आता हूँ। मजा आ गया।
क्या अब मैं नहा लूं? पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इतना वक्त लगा रही है। मैं जल्दी से बाहर निकलूं। मैं माफी चाहता हूँ, आराम से नहाओ तुम। तुम नहा चुके सेटर, तुम्हें पता है मुझे नहीं नहाना, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाऊँ और खूब खेलूं। क्या क्या कहा तुमने? तुम चलोगे? सुनकर अच्छा लगा ना? नहीं नहीं लगा। दोपहर की झपकी लेने के लिए सेटर जंगल में चला गया। मजा आ गया। सेटर! टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं भी झपकी ले लूं। अच्छा, तुम्हें एक अच्छी सी लोरी सुना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आ आ सो जा छोटे बच्चे सो जा, टीटी पो। ठीक है, तुम जीते, तुम जीते। मैं चलूंगा, ठीक है? तुम चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये मेरा दावा है। टीटीपो और सेटर घूमने के लिए बाहर गए। अब बताओ तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है ना? शायद। हम पहुंच गए, वो रहा बंदरगाह। चलो चले। ठीक है। वाह। ए, कौन आया है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या है? सेटर, ऊपर देखो, ऊपर। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आओ, कैसे हो टीटीपो तुम? क्रेनी, पता है मैं कितना डर गया था। हेलो क्रेनी। मुझे लगता है क्रेनी को देखकर सेटर उदास हो गया। सेटर, आते जाते रहा करो। बाय, अब हमें जाना है, चलो चले। गुड बाय टीटीपो, ऐसे अजनबी मत बनो सेटर। ठीक है, अपना ख्याल रखना क्रेनी। कैसे हो दोस्तों? घूमने आए हो सेटर? हाँ आ ही गया। वाह, तुम्हारी बोगियाँ तो मैंने ही लगाई थी। हाँ, पर विश्वास नहीं हो रहा तुम टीटीपो के साथ घूमने निकले हो। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला हूँ। जरूर टीटीपो हाथ मरोड़ कर तुम्हें लाया होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी सेटर आज बहुत मजे करेगा। तो जाओ और मजे करो, मैं काम पर चलता हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे डीजल। सेटर, हाँ? चलो आगे चले। ठीक है। वापस मुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। हा? आगे बढ़ो और इस पे चढ़ जाओ। ठीक है, इस तरह? हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या, टर्न टेबल में कोई खराबी हो गई है। चक्कर आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो। सेटर को कोई ऐसी जगह लेके जाना होगा जो उसे पसंद आए। सिंग सिंग सच में बहुत तेज है, कमाल की है। आहा, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह याद आई जो तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे पीछे आओ। टीटीपो ने तय किया कि वो सेटर को एक शांत स्टेशन पर ले जाएगा। जगह कैसी है, अच्छी लगी ना? हाँ। मुझे पता था सेटर को यहाँ आकर अच्छा लगेगा, शुक्र है। ओ? जीनी, स्टेशन पर पहुँच गए, ध्यान से उतरना। वाह, इन डब्बों को मैंने लगाया था। हम पहुँच गए बच्चों, सब ध्यान से उतरना। ओ, टीटीपो, तुम सेटर को बाहर ले ही आए। हाँ। क्या तुम अपने रूट पर हो जीनी? हाँ, आज मैंने छोटे बच्चों को सैर करवाई। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अरे देखो कितनी अच्छी ट्रेन। ये तो सच में बहुत अच्छी है। टीचर, क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? मैं भी। मुझे नहीं पता। सुनो ना प्लीज, अगर बच्चे ऊपर आ जाएं तो तुम्हें एतराज तो नहीं? मुझ पर? तुम काम कर रहे हो है ना? नहीं, काम तो नहीं कर रहा। सच? बहुत शुक्रिया। सेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा। कितनी अच्छी है इधर से। सुनो बच्चों, कोई बटन मत दबाना। सेटर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। सुनो टीटीपो, अब हम शहर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, वापस जा रहे हैं। मैं सेटर को दिखाना चाहता था कि बाहर कितना मजा आता है, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। अरे बारिश होने लगी। जल्दी वापस चलो टीटीपो। बरसात भी आज ही होनी थी। सुनो सेटर। वाह टीटीपो, आकाश की तरफ देखो। एक इंद्रधनुष। सतरंगी इंद्रधनुष, कितना सुंदर है। ओ हाँ सेटर, माफी चाहता हूँ, तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया। क्या? बंदरगाह में इतना शोर था, फिर वो छोटे बच्चे तुम पर कूदने लगे और फिर बारिश हो गई। गलत कह रहे हो, मेरा दिन बहुत अच्छा था। ओ सेटर, क्रेनी से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपने दोस्तों को काम करते हुए देखकर, खास तौर पर उन डब्बों के साथ जिन्हें मैंने जोड़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा टीटीपो। उन प्यारे बच्चों के साथ खेलकर भी मुझे बहुत मजा आया, और अब मैं इस सुंदर इंद्रधनुष को देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शुक्रिया टीटीपो। मुझे शुक्रिया मत कहो। कोई बात नहीं। मैंने ठीक कहा था है ना, बाहर जाकर खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ, अब हम अक्सर जाया करेंगे। बहुत बढ़िया, अगली बार हम सबके साथ घूमने जाएंगे। सेटर और टीटीपो ने साथ मिलकर खूब मौज मस्ती की, बाहर खेलने में भी बहुत मजा आता है। चेकअप डरावने होते हैं। चूचू शहर की छोटी रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह अपना काम कर रही हैं। टीटीपो भी अपने काम पर जा रहा है। ठीक है, काम पर चला जाए। मैं इतना काम क्यों रहा हूँ? शुक्र है मैं रुक गया। हाय डीजल, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ। और तुम बताओ, काम पर जा रहे हो? हाँ, लगता है तुमने आज बहुत मेहनत की। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं आराम करूँगा घर पहुँच कर। अच्छी बात है। ओ, 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 फिर से नहीं। क्या हो गया? लगता है कुछ खराबी है, मैं कांप रहा हूँ। तो टीओ के पास जाकर तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। चेकअप? चेकअप क्या होता है? ओह, अब मैं समझा कि तुमने कभी चेकअप नहीं करवाया है। मैं इससे थोड़ा सा मजाक करता हूँ। चेकअप बहुत डरावना होता है टीटीपो। बहुत डरावना होता है? हाँ, सच में डरावना होता है। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चेकअप के लिए तुम्हें सर के बल लेटना पड़ता है, तब टीओ एक बड़ी सुई वाला इंजेक्शन लगाता है। डीजल, अब तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन? इंजेक्शन मत लगाओ तुम। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं बहादुर हूँ, इसलिए मैंने बिना डरे लगवा लिया। इतना दर्द होता है? बिल्कुल, दूसरी रेल तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मिस्टर हब, जल्दी से मेरे पास आओ। अभी आता हूँ।
पता नहीं मुझसे क्या काम है। फिर मिलता हूँ तुम्हारे चेकअप के लिए, गुड लक। हाँ शुक्रिया। चेकअप से डर लग रहा है। हाय मिस्टर हब। ओ आ गए तुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बंदरगाह जाने वाली एक ट्रेन खराब हो गई है और वो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं? मुझे नहीं जाना है, क्या मैं बीमार होने का नाटक करूं? लगता है कुछ खराबी है। हाँ यही ठीक रहेगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। क्या तुम बीमार हो डीजल? मैं कह नहीं सकता कुछ, मेरे ख्याल से मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। तो तुम अभी टीओ के पास जाओ। हाँ ठीक है। रुक जाओ डीजल। क्या? फिक्स लेफ्ट। यस सर। क्या तुम डीजल को टीओ के पास ले जा सकते हो? मैं कांप रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। टिटिपो। हाँ? तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। ठीक है। हाय मिस्टर हब। तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? कांप रहा हूँ। मुझे लगता है निकलने से पहले तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। क्या चेकअप? टीओ के पास जाओ और अपना चेकअप करवाओ। ठीक है। बाय मिस्टर हब। मिस्टर हब का आदेश मानकर टिटिपो टीओ के पास जाने के लिए निकल पड़ा। तुम ठीक तो हो ना डीजल? दर्द हो रहा है? कहाँ पर दर्द हो रहा है तुम्हें? कहाँ पर? यहाँ पर भी। और इन्हें पता नहीं चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। फिक्स? जी कहिए मिस्टर हब। खदान में एक एक्सीडेंट हो गया है। डीजल को छोड़ने के बाद जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। जी अभी जाते हैं सर। एक्सीडेंट? फिक्स तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम आराम से पहुँच जाओगे ना? हाँ बहुत ही आराम से। तो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने टेस्ट तो कर लिए हैं और सब ठीक भी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे जबरदस्त दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये तो डीजल की आवाज है। चेकअप में बहुत दर्द होता होगा। छोड़ो इसे, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ। टीटीपो। हेलो सर। मैं फिर से कांपने लगा। क्या तुम बीमार हो? नहीं मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाना है, जल्दी निकलना होगा। टिटिपो, टिटिपो। क्या जबरदस्त नींद थी। डीजल। हाँ टियो। अब अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ मैं पहले से काफी अच्छा हूँ। बढ़िया, तो तुम वापस काम पर जा सकते हो। काम? नहीं, दर्द फिर से शुरू हो गया है मुझे। मेरे ख्याल से मुझे कुछ देर और आराम करना चाहिए। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आखिरी स्टेशन है, काम पूरा हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। अचानक से रुक क्यों गया? मुझे मदद के लिए मिस्टर हब को बुलाना चाहिए। मिस्टर हब, मिस्टर हब। अरे नहीं, मेरा रेडियो भी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, टीटीपो खराब हो गया है। टीटीपो, टीटीपो। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हम आ गए मिस्टर। बहुत अच्छे, पर ये बताओ तुमने कहीं टिटिपो को देखा है? नहीं मैंने नहीं, कुछ खास बात
मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। टीटीपो ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ओ, टीटीपो को क्या हुआ? कुछ पता नहीं, उससे बात नहीं हो पा रही। उसे यहाँ चेकअप के लिए आना था। अरे नहीं, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? टियो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। डीजल, ये समय कहाँ जा रहा है? टीटीपो के लिए परेशान डीजल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कहाँ हो सकता है? टीटीपो! डीजल! तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, एक मिनट रुको। पकड़ लिया, अब चलते हैं टीटीपो। शुक्रिया डीजल। मिस्टर हब, डीजल, टीटीपो पटरी पर खराब हो गया था, मैं उसे टीओ के पास ले जा रहा हूँ। डीजल, लेकिन तुम भी तो बीमार हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। बहुत अच्छा है, तो टीटीपो का पूरा ख्याल रखना। जरूर रखूंगा मिस्टर हब, तेज चलते हैं टीटीपो। ठीक है। टीओ, टीओ कहाँ गया? मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ठीक है। एक मिनट रुको डीजल। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं चेकअप करवा पाऊंगा, वो बहुत डरावना होता है। डरने की जरूरत नहीं है, चेकअप में बिल्कुल दर्द नहीं होता। लेकिन तुमने कहा था बहुत दर्द होती है। कहा तो था, पर मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी टीटीपो। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ दोपहर को तुम्हारी दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। अच्छा वो वो तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। ओ, नाटक? हाँ, वो मैं काम नहीं करना चाहता था, इसलिए बीमारी का नाटक किया। तो फिर इसका मतलब चेकअप करवाने में दर्द नहीं होता? हाँ बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ठीक है, मैं चेकअप करवाने के लिए तैयार हूँ। डीजल? क्या कहा तुमने? मिस्टर हर्ब, नाटक कर रहे थे, मुझे तुम पर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन टीओ, तुम्हें पहले जाकर टीटीपो का चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल। हो गया। पूरा चेकअप हो गया। और दर्द भी नहीं हुआ ना? बिल्कुल ठीक। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब आगे से तुम रेगुलर चेकअप करवाते रहना। ठीक है मिस्टर हब। सब ठीक हो गया। तुम ये बताओ डीजल, तुमने बीमार होने का नाटक क्यों किया? ये बहुत गलत बात है, मैं पूरे दिन परेशान होता रहा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा फिर। टीओ, मिस्टर हब, अगर डीजल मुझे यहाँ नहीं लेकर आया होता तो मैं मुसीबत में फंस जाता। डीजल ने ही मुझे चेकअप करवाने के लिए समझाया और अब मैं ठीक हूँ। टीटीपो। वैसे बात तो ठीक है, डीजल ने आज अच्छा काम भी किया है। डीजल, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, समझ गए? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ डीजल। लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए, अब तुम्हें सफाई का काम करना होगा। क्या? मैं सुबह तुम्हारा काम देखने आऊँगा, सफाई हो जानी चाहिए। मुझे लगा आपने मुझे माफ कर दिया। झूठ बोलने से यही होता है। डीजल की वजह से टीटीपो ने अपना चेकअप करवा लिया, लेकिन डीजल अब बीमारी का नाटक नहीं करना। बनी का कमाल का हुनर। ये वो खदान है जहां मालगाड़ियां काम करती हैं। अब मेरी बारी है। अरे मैनी आ गया। मैनी, आज पत्थर बहुत ज्यादा हैं, ले जाओगे ना? जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मैनी। वाह मैनी कमाल का है। अरे बाप रे, संभल के रुको मैनी।
शुक्रिया मैनी। कोई बात नहीं, मैनी ने शानदार काम किया। इससे ज्यादा ताकतवर मालगाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। बहुत शानदार काम किया। हाँ, मैनी का कोई जवाब नहीं। बर्नी अपना काम खत्म करने के बाद चूचू शहर लौट रहा है। बर्नी! हेलो। 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 सुनो बर्नी, क्या कोई परेशानी है? मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे। इसने सही कहा, मुस्कुराओ बर्नी। तुम्हें लगता है मैं भी डीजल और मैनी जैसा बन सकता हूँ? तुम उन दोनों के जितने ही अच्छे बनोगे बर्नी। शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं। क्यों नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीजल, तुम मेरी मदद करोगे? मदद? मुझे भी ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारे और मैनी की तरह, पर समझ नहीं आता कि कैसे बनूं। तुम ताकतवर रेल बनना चाहते हो मेरी तरह? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डीजल। डीजल बर्नी की मदद करेगा? डीजल ने बर्नी को ताकतवर मालगाड़ी बनने में मदद करने का फैसला किया। मजबूत मालगाड़ी की गरजदार आवाज होती है। गरजदार आवाज होती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। याहो! याहो! अब तुम कोशिश करो। याहू! अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज गूंजे। ठीक है। याहू! याहू! बड़ा मुश्किल है। शाबाश, ये पहले से तेज थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सबक की ओर। क्या बस इतना ही? इस बार तुम बोगियों के साथ तेज दौड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन बोगियों के साथ तेज दौड़ना खतरनाक होता है। तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें तेज दौड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे बोगियां हिल रही हैं। दमदार मालगाड़ियां इसकी परवाह नहीं करती। तेज दौड़ो बर्नी। अच्छा ठीक है। उनकी प्रैक्टिस पूरी हुई। बर्नी और डीजल वापस शहर लौट रहे हैं। खुश हो तुम? अब तुम भी मेरी तरह दमदार गाड़ी हो। कह नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो पाया। वाह फूल, सुंदर। मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फूलों में ऐसा क्या खास है। वो सुंदर होते हैं। ये देखो खरगोश। हेलो खरगोश, मेरा नाम बर्नी है। बर्नी, मजबूत मालगाड़ियाँ खरगोशों के साथ नहीं खेलती, तो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे प्यारे खरगोश। जल्दी चलो। आ रहा हूँ। अगली सुबह बर्नी काम पर गया। अगली। गुड मॉर्निंग। ओह बर्नी, आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था। दमदार ट्रेन तेज चलती है। युहू! ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। मिस्टर हब। तुम ठीक हो ना बर्नी? माफी चाहता हूँ मिस्टर हब। शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं लगी इसको।
तुम्हारे गिरने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जी सर। क्या सच में? सच में? बर्नी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो बहुत तेज जा रहा था, गिर गया। लेकिन बर्नी तो ऐसे कभी तेज नहीं जाता। मेरे ख्याल से वो मेरी वजह से गिरा होगा। ओ? दमदार मालगाड़ी बनने के लिए मैंने ही उसे तेज दौड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? यहाँ इधर मैं नई बंदरगाह पर काम कर रहा है। सामान रख रहा हूँ, आराम से रख रहा हूँ। ये हो गया। शुक्रिया, फिर मिलूंगा तुमसे। अरे मैनी, उसमें नाजुक सामान है, ध्यान रखना। चिंता मत करो। तेज चलता हूँ। एक ही तो डब्बा है, तो थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंदर, जानवर खतरनाक होते हैं। मैनी को एक डरावनी पुरानी बात याद आ गई। ताजी हवा। वो क्या है? ये तो भेड़े हैं। अरे भेड़ो हट जाओ। हट जाओ मुझ पर से। मैं और आगे नहीं जा सकता। मिस्टर हर्ब। मैनी, क्या बात है? मेरे डब्बे में बंदर है, लगता नहीं है कि आगे जा पाऊंगा। तुम वहीं इंतजार करो। हाँ। मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है। बर्नी, मैंने सुना तुम गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं मजबूत मालगाड़ी बन पाऊंगा। बर्नी। अब, जी कहिए मिस्टर हर्ब। क्या तुम अभी बंदरगाह जा सकते हो? कुछ जानवरों को लाते हुए मैंने मुश्किल में पड़ गया है। जानवर? मैंने जानवरों से बहुत डरता है। सच में? हेलो प्यारे खरगोश। चलो बर्नी, साथ चलकर मदद करो, तुम्हें जानवरों से लगाव है ना? हाँ? मदद? तो बर्नी और डीजल मैनी की मदद करने गए। मैनी। ओ बर्नी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। चिंता मत करो, सबसे पहले डब्बा अलग करो। ये डब्बा अलग क्यों नहीं हो रहा? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनी, बंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से फिर कोशिश करो। ठीक है। वाह, अलग हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया मैनी। शुक्रिया। अब पीछे चलो। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी। कोई बात नहीं। हाँ? लगता है ये बंदर अभी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो। एक गाना हो जाए। टीटीपो टीटीपो टीटीटी टीटीपो, मस्ती करो और चलते चलो, छोटी ट्रेन टीटीपो। टीटीपो टीटीपो टीटीटी टीटीपो। सारे बंदर शांत हो गए। वाह, क्या बात है। ये है मेरे भाई का कमाल। धूप खिले या बर्फ पड़े या हो बरसात का मौसम, हर दम चलते चलो, बिना रुके बढ़ते चलो। टीटीपो। काम खत्म करने के बाद मैनी, बर्नी और डीजल वापस चूचू शहर आ गए। तुम दोनों वापस आ गए? बर्नी, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, सबसे बढ़कर। शुक्रिया मैनी। डीजल, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्नी तुम्हारी वजह से गिर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो बात ये है, मैंने कहा कि अगर तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तेज भागो। बर्नी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया, मुझे पता चल गया मैं किस काम में अच्छा हूँ। बिल्कुल ठीक, अगर जानवरों को लेके आना है तो बर्नी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बाय।
जानी, एक शानदार मालगाड़ी। शुक्रिया दोस्तों। आखिरकार बर्नी को अपनी खूबी पता चल गई। मुबारक हो बर्नी। चूचू टाउन के तीन शैतान। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। हेलो मिस्टर हब। ओह हाय जीनी। आज तुम्हारी सुबह की शिफ्ट है। हाँ, टिटी पॉ डीजल ने कहा कि उनको सुबह काम पर जाना है, तो हम खेलने जा रहे हैं। तुमसे बाद में मिलता हूँ जीनी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? टिटी पॉ का काम खत्म हो चुका है और वो वापस शहर आ रहा है। डीजल और जीनी का काम भी खत्म हो गया होगा। ओ, डीजल! क्या तुम शहर जा रहे हो? हाँ। ओ, तुम इतने गंदे कैसे हो गए? क्या गंदा हो गया? एक मालगाड़ी खराब हो गई थी तो मैं उसकी मदद के लिए गया था। या! वाओ, जरा डीजल को देखो। मैंने कहा था ना वो लाखों में एक है। आज मैंने बहुत ज्यादा सामान खींचा इसलिए गंदा हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, मिस्टर हर्ब को मुझ पर गर्व होगा। मैं जल्दी से जाकर उन्हें बताता हूँ। मेरे लिए रुको। जल्दी आओ। हेलो मिस्टर हर्ब। हम काम करके वापस आ गए। ओह, तुम दोनों एक साथ। जानते हैं, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर हर्ब भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। वो जरूर करेंगे। एक मालगाड़ी खराब हो गई तो सारा सामान मैंने खींचा। तुम दोनों चुप हो जाओ। चुप? मुझे जाना होगा, ये कहानी बाद में बताना। मिस्टर हर्ब को क्या हुआ? टिटी पॉ, डीजल, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या कुछ गलत हो गया? मिस्टर हर्ब का बर्ताव अजीब था। मिस्टर हर्ब? हाँ, उन्होंने मेरी बात को बीच में ही रोक दिया और फिर अजीब सा मुंह बनाकर चले गए। उन्होंने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तुम्हारे साथ भी जीनी? पता नहीं मिस्टर हर्ब को क्या हो गया है। तुम्हें लगता है मिस्टर हर्ब नाराज है? नाराज? अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है वो मुझसे नाराज होंगे। एक दिन मैं काम से वापस आई तो काम हो गया मिस्टर हर्ब। शाबाश जीनी। ये अजीब सी बदबू कैसी? आज मेरा कुछ पेट खराब है। माफ करना। आपका पेट खराब है? इससे ज्यादा तेज आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। मिस्टर हर्ब नाराज होंगे क्योंकि मैं उन पर हंसी थी। कितना गलत किया मैंने। मुझे लगता है मैंने भी उन्हें नाराज किया है। डीजल और मैं एक साथ काम पर जा रहे थे। मिस्टर हर्ब, पता नहीं मिस्टर हर्ब कहाँ चले गए। दिखाई नहीं दे रहे। मैं थोड़ी देर और सो लेता अगर पता होता वो देर से आएंगे। डीजल, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाऊं? क्या मजेदार चीज? मैं मिस्टर हर्ब की नकल करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। डीजल, तुम आज जल्दी आ गए। तुम बिल्कुल उन्हीं के जैसा कर रहे हो। गुड मॉर्निंग डीजल, आज तुम खदान में जाओगे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल वही बोल रहे हैं। टिटी पॉ, डीजल, बताओ तो जरा ऐसी क्या बात कर रहे थे जिस पर इतनी हंसी आ रही थी? मिस्टर हर्ब, कोई हंसी की बात नहीं थी। आज हमें आप कहाँ भेजने वाले हैं मिस्टर हर्ब? रुको, मैं चार्ट चेक करता हूँ। मुझे लगता है मिस्टर हर्ब ने मुझे उनकी आवाज निकालते हुए सुन लिया था। गलती मेरी है। तुम्हें पता है, शायद मैंने भी उन्हें नाराज किया है। मैं नहाने के लिए जा रहा था। आज नहाने के लिए बड़ी लंबी लाइन है। सही कहा। कोई बात नहीं, मैं कल नहा लूंगा। लेकिन मिस्टर हर्ब ने तुम्हें आज नहाने के लिए कहा है। मिस्टर हर्ब तो है ही नहीं यहाँ देखने के लिए। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। डीजल,
मिस्टर हर्ब ने कहा था कि हमेशा रूट पर जाने से पहले नहाया करो। तुम्हें सच में लगता है मिस्टर हर्ब गुस्सा है? जो कुछ भी हम तीनों ने किया है उसके बाद तो वो नाराज होंगे ही। हम क्या करें जिससे मिस्टर हर्ब हमें माफ कर दे? लिफ्ट और फिक्स से पूछते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक कहा, वो मिस्टर हर्ब को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो क्या अभी फिक्स और लिफ्ट के पास चलें? ठीक है, यही ठीक रहेगा। टिटीपो टिटीपो। फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स। लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट। फिक्स और लिफ्ट, लिफ्ट और फिक्स। जब भी कुछ टूटे। हेलो हेलो दोस्तों। और सुनाओ दोस्तों, हमारे साथ खेलने आए हो क्या तुम? तो फिर खूब खेलेंगे मिलकर पूरे दिन हम तुम। ये बात नहीं है, हमने मिस्टर हर्ब को बहुत नाराज कर दिया है। क्यों? सच में? मिस्टर हर्ब बहुत ज्यादा नाराज है। वो हमें माफ कर दें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तरीका है जो शायद काम करे। जैसे कुछ गाना शाना? तैयार हो? संगीत है बहुत खास, उदासी रहना आसपास। उदासी से नहीं हासिल होने वाला कुछ, संगीत से ही हासिल होगा सब कुछ। जागा चू चू जागा चू चू जागा। अब तुम भी साथ गाओ। उदासी से नहीं हासिल होने वाला कुछ, संगीत से ही हासिल होगा सब कुछ। हो जाओ जब तुम उदास, तब संगीत को लाओ पास। मजा आ गया। क्या बात है, जब संगीत सुनते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। अगर तुम मिस्टर हर्ब को गाना सुनाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। तो दोस्तों, उनके लिए एक गाना लिखते हैं। ठीक है, बढ़िया, और हम मदद करेंगे। शुक्रिया। छोटी रेलगाड़ियाँ फिक्स और लिफ्ट के सामने अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगी। जल्दी बताओ ना। ये बहुत बढ़िया था। सच में कमाल कर दिया तुमने। शुक्र है। उम्मीद है मिस्टर हर्ब को भी पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, तुमने गाना खुद लिखा और प्रैक्टिस भी की है। उन्हें बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ सही कह रहे हो तुम। मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना हम ये बिल्कुल नहीं कर पाते। तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो अब सोने के लिए चलते हैं फिर। अगला दिन शुरू हुआ। कहाँ हैं सबके सब? गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्ब। ओह गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ सब एक साथ? कोई खास बात? कुछ बात करनी है मुझसे? हमने आपको एक तोहफा देना है मिस्टर हर्ब। एक तोहफा? तो ठीक है, सब तैयार हो? हाँ। एक दो तीन चार। थैंक यू मिस्टर हर्ब, आपको पसंद करते हैं हम सब। खुशियों के दिन हो मस्ती भरे या मुश्किल कुछ आन पड़े, आपका साथ हम सबको मिले और आप रहे यूं ही खिले खिले। We love you, we love you, thank you Mr. Hub। तुमने ये गाना अपने आप लिखा है? हाँ, हमने आपको सोचकर ही इसके बोल लिखे हैं। आपको हमारा बनाया गाना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश हूँ। इन्हें पसंद आया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये गाना लिखने की सूझी कैसे? हमने ये लिखा ताकि आपकी नाराजगी दूर हो जाए। हमने आपको नाराज किया था ना? नाराज क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल इसी तरह, जब हम बात कर रहे थे तो अचानक आपने मुंह बनाया और बात बीच में छोड़कर चले गए। जब आपका पेट खराब हो गया था, माफी चाहती हूँ, मैं हंस पड़ी। मैं अब कभी आपकी नकलें नहीं करूँगा। और मैं अपने काम पर हमेशा नहा कर जाया करूँगा।
शैतान हो। फिर दर्द उठा। मिस्टर हब, क्या हुआ आपको? असल में पिछले कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द है। दांत में? शायद दर्द की वजह से चेहरे पर गुस्सा दिख रहा होगा। तो आप हमसे नाराज नहीं थे मिस्टर हब? नहीं, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। अब हम चैन से सोएंगे। हम परेशान थे कि आप हमसे नाराज हो गए। माफी चाहता हूँ, मुझे डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए था लेकिन मैं टालता रहा। आप दांतों के डॉक्टर के पास जाना टालते रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है? डीजल, तुमने अभी कहा कि तुम बिना नहाए काम पर गए थे। हाँ। मैंने कहा था ना कि तुम नहा के काम पे जाया करो। आप मुझे ही हमेशा क्यों डांटते हैं? छोटी रेलगाड़ियों के खास गाने ने मिस्टर हर्ब का दिल खुश कर दिया। पता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। थैंक यू मिस्टर हर्ब। फिक्स और लिफ्ट बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छी सुनहरी सुबह है लेकिन टीटी बो अब तक सो रहा है। टीटी बो अब तक सो रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं सो रहा, मैं जाग चुका हूँ। काम पर जाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। ठीक है। थका हुआ हूँ। ये कैसी आवाज है? चलो चलें। फिक्स और लिफ्ट का कोई रूट नहीं होता इसलिए वो देर तक सो सकते हैं। किस्मत अच्छी है। टीटीपो अपने काम पर पहुंच गया है। आपका स्वागत है। सब चढ़ गए। टीटीपो, जाने का समय हो गया। मैं बस जा रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है। डरा दिया मुझे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद टीटी पो चूचू शहर लौट आया। आज बहुत ज्यादा काम था। फिक्स फिक्स लिफ्ट 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 फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट फिक्स। हेलो टीटी पो, तुम काम से वापस आए हो? हाँ। हे, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने बहुत ज्यादा काम किया, थक गया हूँ। यो टीटी पो, रेलगाड़ियों में सबसे बेहतरीन रेल कौन सी है क्या तुम्हें पता है? सभी से पक्की दोस्ती करती है वो, और सबको अच्छी लगती है वो, करती है मेहनत पूरा दिन जो, सिर्फ और सिर्फ वो है टीटी पो। टीटी पो वो तुम। तुम अच्छे हो से भी अच्छे हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों, बाद में मिलता हूँ। हैरानी है, मैंने टीटी पो को इतना उदास कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। नहाने के बाद आराम करूंगा। फिक्स और लिफ्ट पूरा दिन गाने गाते और खेलते रहते हैं, कितने खुश रहते होंगे। घर जाकर सोने का समय हो गया है। ये फिक्स और लिफ्ट हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? टीटी पो। जीनी, डीजल। हेलो टीटी पो। फिक्स और लिफ्ट अभी अभी कहीं गए हैं, तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता? और मुझे भी नहीं पता। इतनी देर से कहाँ जा रहे होंगे? शायद वो गाना गाने गए हो, तुम्हें पता ही है उन्हें गाना कितना पसंद है। गाना गाने? फंस गए प्यारे, मदद को पुकार। कुछ ज्यादा हो ये थोड़ी, उससे दूर करे ये जोड़ी। जोर से बोलो कौन? गाना गाने ही गए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो तारे देखने गए हों। तारे? हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन वो तारे देखने गए थे। वो तारे देखने गए थे? हे लिफ्ट, जरा आसमान तो देखो। वाव, कितना सुंदर है। वाव, उन दोनों की किस्मत कितनी अच्छी है। हाँ, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ।
सुबह का वक्त है, टीटीपो की आज छुट्टी है। फिक्स और लिफ्ट जरूर मजे कर रहे होंगे। जाकर देखता हूँ। फिक्स, लिफ्ट। हाँ, टीटीपो, हेलो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। हमारे साथ? हाँ, मुझे अपने साथ ले चलो। टीटीपो दिन बिताने के लिए फिक्स और लिफ्ट के साथ चल पड़ा। बताओ दोस्तों, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जल्दी एक जगह पहुँचना है। मुझे पता है, हम खूब मौज मस्ती करेंगे। टीटीपो, टीटीपो। हिया, लो हम पहुँच गए टीटीपो। ओ, ये वो जगह है। तो तुम दोनों खेलने नहीं जा रहे थे? क्या बात कर रहे हो तुम? हम यहाँ आए हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है। मुझे लगा मौज मस्ती करने जा रहे थे। हटिए, जल्दी हटिए, हम लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं। मैं दिल से माफी चाहता हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रुकिए, मैं आपको निकालता हूँ। ठीक है। तो फिर चलो। बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम किया। वाह, तुमने कमाल कर दिया फिक्स। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। इसे बहुत दुख हो रहा होगा। हे फिक्स, क्या शुरू करोगे तुम? ठीक है, हर कोई ठीक और मजबूत रहना चाहे, लेकिन जब खराब हो तो चल भी न पाए। जब भी कुछ ऐसा हो तो हम बाहर जाएं। दोस्त हैं हम, सच्ची दोस्ती निभाएं, सच्ची दोस्ती निभाएं, सच्ची दोस्ती निभाएं। हर रेल कभी न कभी खराब होती है, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। टेओ आएगा तो तुम्हें ठीक कर देगा, यहीं पर इंतजार करो तुम। हाँ ठीक है, फिर से शुक्रिया। मुझे लगता था ये सिर्फ खेलते रहते हैं, लेकिन ये काम भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब। जी बताइए मिस्टर हब। खदान के रास्ते में एक चट्टान गिर गई है, फौरन वहाँ पहुँचो। जी ठीक है, है सर, तुम ख्याल रखना, हम अब जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। टीटीपो, तुम साथ चलो। हाँ, आ रहा हूँ। एक और एक्सीडेंट, ये दोनों खेलने कब जाएंगे? तीनों दोस्त खदान की तरफ जा रहे हैं। वो देखो। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे खदान में जाना है, लेकिन इस चट्टान की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं चुटकियों में इसे हटा दूंगा। लिफ्ट तो बहुत ताकतवर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। बाय, ध्यान रखना। वाह, कमाल कर दिया तुमने। बचो। टीटीपो, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ फिक्स। अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी। शुक्रिया। मुझे नहीं पता था ये इतनी मेहनत करते हैं। सुनो दोस्तों, मुझे अपनी एक गलती माननी है। गलती? क्या तुमने सोचा हम पूरा दिन मौज मस्ती करते हैं? अब समझ में आया, इसीलिए तुम हमारे साथ आए थे। सच में माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब चलो, पत्थर हटाने में हमारी मदद करो। ठीक है। वाह, हमने कर दिखाया दोस्तों। तुमने भी बहुत अच्छा काम किया टीटीपो। अब तुम चूचू टाउन जाओगे? अभी नहीं, अभी चक्कर लगाने जाना है।
चक्कर लगाने जाना है? हाँ, फिक्स और मेरी रात की ड्यूटी है। जो रेलगाड़ियाँ रात में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। आहा, तो इसलिए तुम दोनों रात को बाहर निकलते हो? तुम दोनों थकते नहीं? कौन है हम? कौन? सबसे बेहतरीन सर्विस ट्रेन से हम। ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। सबकी सुरक्षा फर्ज अपना। जागा चूचू, जागा चूचू। कुछ हो जाए हमें याद करना। जागा चूचू, जागा चूचू। टीटीपो जल्दी आओ, देखो। अब क्या दिखा रहे हो? जब हम रात की ड्यूटी पर होते हैं तो यहाँ तारे देखने जरूर आते हैं हम। अब पता चला तुम दोनों शहर की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली रेल हो। सब रेलों को खींच के लाएंगे और काम करते करते मौज बनाएंगे। रेल है ये सबसे ज्यादा काम करने वाली, लिफ्ट और फेस दोनों सबसे निराली। बेचारे टीटीपो का पूरा छुट्टी का दिन हमारे साथ काम करते हुए बीता। टीटीपो तुम थक गए होगे। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, दरअसल अब मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। गाना? तो ठीक है, तैयार हो तुम? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जगा चूचू, जगा चूचू। फिक्स 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 लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स। लिफ्ट लिफ्ट मेरा नाम है लिफ्ट। फिक्स और लिफ्ट, लिफ्ट और फिक्स। जब ये कुछ टूटे तो आए मिस्टर फिक्स और उसके साथ ही लिफ्ट लिफ्ट। फंस गए प्यारे, मदद को पुकारे, दिक्कत ज्यादा हुई थोड़ी से ठीक करे जोड़ी। अरे वाह, मजा आ गया, एक और गाना प्लीज। एक और? क्या कहते हो फिक्स? चलो गाते हैं। जब फिक्स लिफ्ट और टीटी को खुश होकर गाना गाने लगे, उनकी आवाज पटरियों पर गूंजने लगी और ऊपर तारों तक पहुंच गई। एरिक और टीटीपो। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। ओ देखो वो रहा एरिक। चलो दिन शुरू किया जाए। वापस आ जाओ। ये टीटीपो और डीजल भी ना, लगता है फिर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। डीजल को पकड़ना जी मिस्टर हर्ब, तुम सफर पर जाने के लिए तैयार हो? जी मैं बस पहुंच रहा हूं। ओह शाबाश, टीटीपो को साथ लेते आना। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। हाय दोस्तों। एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मिस्टर हर्ब ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? शायद कहीं जाना पड़ेगा मुझे। बाद में खेलेंगे डीजल। ठीक है। हाय मिस्टर हर्ब। ओह सही समय पर आए। एरिक, कल तो तुम्हारी जांच होनी है ना? जी हाँ होनी है। हमें एक ऐसी रेल चाहिए जो तुम्हारी जगह जा सके। शायद टीटीपो तुम्हारी जगह जा सकता है। टीटीपो सर? वाह, इसका मतलब मैं बहुत दूर दूर जाऊंगा। मजा आएगा। लेकिन टीटीपो इतने लंबे सफर पर कभी गया नहीं है सर। तो तुम उसकी मदद करो ना, आज अपने साथ टीटीपो को ले जाओ और उसे समझा दो ताकि उसे परेशानी ना हो। जी सर। मैं तुम्हारा शिष्य बन गया एरिक। ठीक है। आज टीटीपो एरिक के साथ जा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। टीटीपो अभी सिर्फ सफर पर ध्यान दो तुम। ठीक है। हमें यहाँ पर रुकना होगा। टीटीपो कहाँ जा रहे हो तुम? तितलियाँ। टीटीपो तुम्हें यहाँ रुकना था। हाँ माफ करना। हम स्टेशन पर पहुँच गए। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही, इस स्टेशन पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए डाक की ट्रेन कितनी फनी है। सही कहा तुमने। अरे तुम क्या कर रहे हो?
लोगों को हंसाने की कोशिश। अब बस भी करो तुम। अपना काम पूरा करने के बाद टीटीपो और एरिक वापस चूचू टाउन आ रहे हैं। एरिक, आज बहुत मजा आया। टीटीपो, आज जैसी हरकतें सफर पर नहीं चलेंगी। तुम स्टेशन से आगे चले गए और अजीब अजीब हरकतें करते रहे। लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कल तुम अच्छे से काम करोगे। ठीक है। अगली सुबह। मिस्टर हब, टीटीपो कहाँ है? टीटीपो, लगता है उसे आने में देर हो गई। क्या? मुझे माफ कर दो। आखिर तुम आ गए टीटीपो। तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था। उठने में थोड़ी देरी हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं आज अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तुम्हें यात्रियों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। जानता हूँ। तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, अब जल्दी जाओ। ठीक है, बाद में मिलूंगा। ला 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 ला। काश ये सफर ठीक से पूरा कर ले। ये वो जगह है जहाँ रेल बनाई जाती हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। एरिक जांच के लिए आया है। एरिक, कुछ परेशानी है क्या? आज मेरी जगह टीटीपो सफर पर गया है, उसी की चिंता है बस। उसने अभ्यास के दौरान भी अच्छा नहीं किया और आज सुबह देर से भी उठा। फिक्र मत करो एरिक। क्या? मैं नहीं चाहता एरिक के रूट पर कुछ गड़बड़ हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टियो। उसने कल बहुत देर तक अभ्यास किया था, वो कर लेगा। टीटीपो ने और अभ्यास किया? हाँ, वो देर रात तक अभ्यास करता रहा, वो इसलिए सुबह देर से उठा था। मुझे ये नहीं पता था। मैं सोचता था टीटीपो हमेशा खेलने के बारे में सोचता है। कितना गलत था मैं। आपका स्वागत है। हेलो जीनी, शुक्रिया। हेलो। टीटीपो ने बताया था वो स्टेशन पर भी रुकेगा। टीटीपो। अजीब बात है, वो रुका क्यों नहीं? टीटीपो एक और स्टेशन से बिना रुके निकल गया। ये क्या हो रहा है? टीटीपो, टीटीपो। जांच पूरी होने के बाद एरिक वापस शहर आ गया। उम्मीद है टीटीपो ने सब ठीक किया होगा। वो घर पर नहीं है। उसको अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो एरिक। हाय जीनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीनी, मैं ये सोच रहा था कि टीटीपो कहाँ है, वो अभी तक लौटा नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। क्यों, क्या किया उसने? वो स्टेशन पर नहीं रुका और सीधा चलता चला गया। उसने क्या? तुम्हें नहीं लगता टीटीपो के साथ कुछ गड़बड़ है, है ना? मैं मिस्टर हर्ब के पास जाता हूँ। बाय बाय। उम्मीद है वो ठीक होगा। हम बस अपने घर जा रहे थे। एरिक, बात क्या है? टीटीपो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। मैं परेशान हूँ कि कोई बात तो नहीं हुई। जानता हूँ, उससे देर हो गई है। हम भी टीटीपो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। टीटीपो ने कोई गलती की क्या? नहीं, हम एक मुश्किल में थे और टीटीपो ने हमारी काफी मदद की। हाँ, सच में। स्वागत है सबका, कृपया ध्यान से चढ़ें। हम चल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एरिक को खुश कर दूंगा। टीटीपो, तुमने शानदार काम किया, मुझे तुम पर नाज है। मिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? टीटीपो, मेरी बेटी को पेट में काफी दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात शांत हो जाओ। रेल में एक लड़की की तबीयत खराब है, क्या आप में से कोई डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सके? हाँ,
अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, कहाँ है वो लड़की? पहले डिब्बे में। ठीक है। बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या यहाँ पर कोई बीमार लड़की है? हाँ, यहाँ पर। ठीक है प्यारी गुड़िया, अभी देखते हैं। टीटीपो, हमें इसे इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या, इसी वक्त? लेकिन अभी तो मुझे कई स्टेशन पर रुकना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बीमार लड़की को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो अगर आपको एतराज ना हो हम किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यही सही है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमारी चिंता मत करना। आप सबका शुक्रिया। टीटी को तेजी से अस्पताल के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गया। तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, हिम्मत रखो। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, शाबाश टीटीपो। थैंक यू। अब वो ठीक हो जाएगी। टीटीपो ने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर टीटीपो नहीं होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए इलाज के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। टीटीपो ने आज सबका दिल जीत लिया। हाँ, और मैंने उसे कितना गलत समझा। वापस जाकर यात्रियों को छोड़ने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। लेकिन मुझे खुशी है मैंने मिनी को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ, एरिक क्या कर रहा है? चलो अच्छा है, मिनी अब ठीक है। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। शाबाश टीटीपो। टीटीपो, तुमसे कोई मिलने आया है। टीटीपो। ओह, मैंने आपको देखा ही नहीं, क्या आप मिनी ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। थैंक यू। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि अब मिनी ठीक है, और तुम्हें एरिक? हाँ, सुनो टीटीपो। हाँ? मुझे माफ कर दो। ओ, क्यों? अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम करोगे तुम, लेकिन ये सुनकर कि तुमने एक बीमार बच्ची की मदद की, मुझे बहुत नाज हुआ। शुक्रिया एरिक, मुझे चिंता थी मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब सोने चलता हूँ। ध्यान से। ठीक है। नटखट टीटीपो ने आज बड़ी सूझबूझ से काम लिया। स्वीट ड्रीम्स। शाबाश टीटीपो।